जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी दी मैथ दी 8th क्लास दी 8वीं जमात दी एक्सरसाइज 2.3 आओ ये सवाल नू शुरू कर दे आं। असी 2.1 ते 2.2 पहले खत्म कर चुके हैं और 2.3 करिए। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हेठ लिखे समीकरणों नू हल करो अते उन्हां दी पड़ताल भी करो, अर्थात असी सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन एंड वी आल्सो हैव टू चेक वेदर अवर सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। और पहला क्वेश्चन देखिए, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर भी है तो वेरिएबल राइट हैंड साइड पर भी है। सो वट वी आर गोइंग टू डू इज जी वेरिएबल वाली टर्म है उन्होंने एक पास लैके आना है, कॉन्सटेंट वाली एक पास रखना है। कॉन्सटेंट इतने एक ही है 18। सो 3x 2x, सो ट्रांसपोजिंग 2x टू द लेफ्ट हैंड साइड, 2x नूं इधर लैके, सो 2x इतने जाके की हो जाएगा, इतने प्लस इतने माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 3x और 2x या x इज इक्वल टू 18 आंसर आ गया। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन सी, x इज इक्वल टू 18। हुण इहदी असीं पड़ताल करनी है। पड़ताल कियों करनी है? वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन राइट हैंड साइड एंड सी वैदर दे आर इक्वल और नॉट। सज्जे पासे भी असी x का मुल पावांगे, खब्बे पासे भी x का मुल पावांगे, तो देखांगे कि खब्बा पासा सज्जा पासा बराबर आंदा है या नहीं। जे बराबर आंदा है तो जवाब ठीक है, जे बराबर नहीं आंदा तो जवाब गलत है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की है 3x, सो x कितना आया 18, सो 3 × 18 18 × 54 54। ठीक है जी, आगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की है 2x प्लस 18, सो 2 × 18 प्लस 18, 18 × 36 36 × 18 54। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा साडा जवाब ठीक है। और अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। हूँ वेरिएबल भी आज टर्म भी दो ने, तो कॉन्सटेंट भी दो ने, एक इतने माइनस 3 है इतने माइनस 5 है। सो असी दोनों चीज़ करांगे, ट्रांसपोजिंग 3t टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 3 टू द राइट हैंड साइड। माइनस 3 नूं असी राइट हैंड साइड पर लेके आवेंगे तो 3t नूं लेफ्ट हैंड लेके जावेंगे। सो यह हो गया 5t माइनस 3t, 3t पॉजिटिव इतने नैगेटिव हो गया, माइनस 3 इतने माइनस है, तो इतने आके ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2। सो 5 × 3 = 2, 2t इज इक्वल टू 3 × 5 = माइनस 2, सो माइनस 2। सो टी इज इक्वल टू माइनस 2/2, दोनों दो कट गया तो माइनस रह गया, माइनस 1 आंसर आ गया माइनस। हम चेक लेफ्ट हैंड साइड की है 5t माइनस 3, 5 × −1 माइनस 3, 5 × −5 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की है 3t माइनस 5, सो 3 × −1 माइनस 5, 3 × −1 माइनस 3, फिर माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह भी साडा ठीक है। हम अगला सवाल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। हम देखो वेरिएबल इधर लेके आवेंगे तो कॉन्सटेंट के नाल लेके आवेंगे। ट्रांसपोजिंग 3x टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड 9 टू द राइट हैंड साइड। सो ये हो गया 5x माइनस 3x, 5 − 9, सो 5 × 3 = 2, 2x इज इक्वल टू 5 − 9 माइनस 4। सो एक हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 4, दिस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 4 बटा 2, 2 × 4 माइनस है, सो माइनस 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। हम चेक करांगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5x प्लस 9, दैट्स मीन्स इज इक्वल टू 5 × −2 जमा 9, 5 × 10 माइनस 10 जमा 9 माइनस 1। फिर आ गया राइट हैंड साइड 5 + 3x, यदा मतलब कि 5 + 3 × −2, 3 × 6 माइनस 6, 5 − 6 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज करेक्ट। सो आ गया क्वेश्चन नंबर 4 ना, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ट्रांसपोजिंग 2z टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू द राइट हैंड साइड। सो एक ही बन गया 4z माइनस 2z एंड 6 − 3,
4z minus 2z कितना हो गया 2z, 6 minus 3 कितना हो गया 3, so z is equal to 3 by 2, ये आ गया आंसर, उन करेंगे चेक, left hand side is equal to 4z plus 3, so ये हो गया 4 into z is 3 by 2, so 2 दुनी 4, जमा 3, so ये बच गया 2 गुना 3 जमा 3, 2 तिया 6 जमा 3, अर्थात 9 is equal to 9, right hand side की है कि 6 plus 2z, so is equal to 6 plus 2 into z is 3 by 2, 2 ना 2 कट गया, 6 plus 3 is equal to 9, अभी 9, अभी 9, so left hand side is equal to right hand side, so this answer is correct. और देखिए question number 5, question number 5 देखिए गया equation, 2x minus 1 is equal to 14 minus x, ठीक है जी, और देखो, transposing minus x to the left hand side, and minus 1 to the right hand side. So, here you get 2x plus minus x aage plus x ho gaya, is equal to 14 minus 1 aage plus 1 ho gaya. So, here you get 2x plus x 3x, 14 jama 15, so 3x is equal to 15. And x is equal to 15 upon 10 thalle aage, 15 upon 3, 10 panje 15 is equal to 5. That is the answer. Now, we do the check. Left hand side is equal to 2x minus 1, is equal to 2 guna 5 minus 1, 2 5 10, 10 to 11, 9. Right hand side is equal to 14 minus x, so 14 minus x is 5, 14 minus 5 is equal to 9, 9, 9. That is left hand side is equal to right hand side. Phir aagaya question number 6, 8x plus 4 is equal to 3 bracket x minus 1 plus 7. Pehle aisi bracket khol laange, thik hai ji, bracket kholna hai pehle. So 8x plus 4 is equal to 3x minus 3. एकड़ी distributive property 3x minus 1 3 plus 7 फिर और simplify हो गया 8x plus 4 3x so 7 जो 3 गया 4 3x plus 4 उन्हें साड़ी old equation मनी जड़ी हाल तक ऐसी कर दे आ रहे हैं so transposing 3x to the left hand side and 4 to the right hand side एकड़ी बन गया 8x minus 3x is equal to 4 minus 4 4 चो 4 गया 0 8 चो 3 गया 5 so 5x is equal to 0 So, x is equal to 0 upon 5 is equal to 0. 0 no jenna marji pa kar lo, the answer 0 hi anda hai. So, now we do the check. Left hand side is equal to 8x plus 4. 8 into 0 plus 4. 8 guna 0, 0. 0 jama 4 is equal to 4. Right hand side is equal to 3. Bracket is x minus 1 jama 7. So, agar 3, x is 0 minus 1 jama 4. So, ithe bachya 3 guna minus 1. Plus 7. So 10 guna minus 1 minus 3 plus 7. Such a thing like 4. 4, 4. So left hand side is equal to right hand side. This is correct. Now we see question number 7. X is equal to 4 by 5. X plus 10. Bracket which. Okay. Now we have bracket. Nu hai. X is equal to 4 by 5 into X. Jama 4 by 5 into 10. एक कट जाएगा 5 दुनी 10 ठीक है जैसे इथे रहेगा 4 गुना 2 8 रह जाएगा 4 दुनी 8 सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 4x / 5 जमा 8 सो इथे एवला x हैगा एक एवला x हैगा तो इथे एक कांस्टेंट हैगा सो वी ट्रांसपोज दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग 4x / 5 टू द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x - 4x / 5 इज इक्वल टू 8 सो इधर आ गया एलसीएम 5 इथे एक सो एक 5 5 5 x माइनस 5 का मतलब 1 1 * 4 4 सो 4x इज इक्वल टू 8 सो है कि 5x से 4x या x x बटा 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 यहां पे ऐसे कैसे 5 ऊपर चला जाएगा जितना इथे हुंदा है अगर 5x हुंदा ते 5 थल्ले आ जाना सीधा इथे x बटा 5 है ते 5 ऊपर चला जाएगा दिस इज सेम थिंग सेइंग एज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 मैं इथे 5 पावां ते 5 ना 5 कट जाएगा ते इथे 8 * 5 आ जाएगा सो x इज इक्वल टू 8 * 5 इज इक्वल टू 40 सो साडा जवाब आ गया सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 40 सो लेफ्ट हैंड साइड पे x ही हैगी x इज इक्वल टू 40 के राइट हैंड साइड की है कि 4 / 5 ब्रैकेट x + 10 सो आएगा 4 / 5 x इज 40 + 10 सो 40 जमा 10 कितना हो गया 50 सो 4 / 5 * 50 सो 5 एकम 5 500 50 / 5 कितना हो गया 10 आ गया सो 10 * 4 इज इक्वल टू 40 सो 40 40 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो आवर आंसर इज करेक्ट अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 8 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3. Transposing 7x by 15 to the left hand side.
एंड ट्रांसपोजिंग वन टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। सो है कि बन गया 2x एक्स बाई थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स बाई फिफ्टीन इक्वल टू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू आ गया। यदि हम एलसीएम लवेंगे थ्री और फिफ्टीन एलसीएम की आएगा फिफ्टीन ही आएगा, बिकॉज थ्री जड़ा है फिफ्टीन में भी डिवाइड कर देता है और फिफ्टीन भी फिफ्टीन डिवाइड कर देता है, सो फिफ्टीन आ गया। सो तीन पंजे पंद्रह, पाँच दूनी दस, पाँच तीय पंद्रह एकम पंद्रह एक सत्ता सत्त, सो टेन एक्स माइनस सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू टू। दस एक्स और सत्त एक्स गया थ्री एक्स, सो थ्री एक्स बाय फिफ्टीन, तो यह आ गया। हूँ इन्हें की करेंगे ये तो क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन, फिफ्टीन में फिफ्टीन कट जाएगा, ठीक है। सो अगर थ्री एक्स इज इक्वल टू टू इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू थर्टी बाई थ्री, तीन एकम तीन तीन जीरो जीरो जीरो, सो यह आ गया आंसर थर्टी टेन। सो एक्स इज इक्वल टू टेन इज द आंसर। हूँ बच्चों सवाल मैं नहीं कर रहा, चेक मैं नहीं कर रहा, चेक हम तुम्हें करना है, थोड़ा होमवर्क है कि यह एक सवाल मैं यदा चेक नहीं कर रहा। हूँ तुम इस वैल्यू पा के देखो दस ये जरा सॉरी ये जिले वैसे तो हो ही जाएगा, देखो मैं इसे दस पावा तो है कि दो दस भी, भी बटा तीन, तो इतने आएगा तीन तेई बटा तीन, तो इतने मैं पाया दस, ठीक है, इतने आ गया सत्तर, इतने आ गया पंद्रह, तो इतने की आ गया इतने अगर मान लो दस पाया तो पाँच दूनी दस पाँच सीए पंद्रह, सत दूनी चौदह बटा तीन, तीन तीन नौ, तो चौदह और नौ तेई बटा तीन, वही चीज़ आ गई। सो ठीक है, सो इस तरह तुम भी इनका चेक जरा है वो करके देखना है। और हूँ आखिरी दो सवाल जोड़े ने इस एक्सरसाइज करिए ना एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नाइन, टू वाई प्लस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई। वाई वेरिएबल है, सो वाई वाले में पास से रखाएंगे, कॉन्स्टेंट में पास से रखेंगे। ट्रांसपोजिंग माइनस वाई टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड फाइव बाई थ्री टू द राइट हैंड साइड। सो है टू वाई माइनस वाई थे प्लस हो गया, टू वाई प्लस वाई इज टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री, फाइव बाई थ्री प्लस है माइनस हो गया माइनस फाइव बाई थ्री। सो टू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू तीन, दोनों तीन है सो तीन एल सी एम रहेगा तीन, सो तीन एकम तीन एक छब्बीस छब्बीस, तीन एकम तीन एक पंजा पंजा, छब्बीस माइनस पाँच बटा तीन, क्या किया गया छब्बीस चौ पंजा इक्की, इक्की बटा तीन, तीन सत्ते इक्की। सो एक्स इज इक्वल टू सॉरी थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन, सो थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन, दिस मीन्स वाई इज इक्वल टू सेवन बाय थ्री, यह साडा आ गया आंसर। हूँ इन चेक कर दें, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टू वाई प्लस फाइव बाय थ्री, सो यह हो गया टू इंटू सेवन बाय थ्री प्लस फाइव बाय थ्री, सो सत दुनी चौदह, चौदह बटा तीन जमा पाँच बटा तीन, यह कि हो गया चौदह जमा पाँच उन्नी, उन्नी बटा तीन। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री माइनस वाई, सो आ गया ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन बाय थ्री, सो इतने आ गया थ्री कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर इज कॉमन, सो ट्वेंटी सिक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू नाइनटीन बाय थ्री, सो नाइनटीन बाय थ्री, नाइनटीन बाय थ्री, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर टेन, थ्री एम इज इक्वल टू फाइव एम माइनस एट बाय फाइव, ट्रांसपोजिंग 5m टू दी लेफ्ट हैंड साइड। सो एक थ्री एम माइनस फाइव एम इज इक्वल टू माइनस एट बाय फाइव, ठीक है जी। सो थ्री चो पंज गया माइनस टू, सो थ्री एम माइनस फाइव एम माइनस टू एम, सो माइनस टू एम इज इक्वल टू एट बाय फाइव, सो माइनस माइनस कट गए। और आई कैन ऑल्सो से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन, वैन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस टू एम टू एम हो जाएगा, एंड माइनस वन इंटू माइनस एट बाई फाइव इज इक्वल टू एट बाई फाइव, यहाँ से यह कहते हैं माइनस से जान माइनस कट गया, सो टू एम इज इक्वल टू एट बाई फाइव, सो एम इज इक्वल टू है दो थंडे आ जाएगा। और आई कैन ऑल्सो से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, आई डिवाइड बाई टू, दो ना दो कट गया, तो डिवाइड बाई टू वन बाई टू, सो यह आ गया एट बाई फाइव और नीचे आ गया टू, सो है दो चौक आठ आ गया चार बटा पाँच, सो फोर बाई फाइव इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, दैट इज एम इज इक्वल टू फोर बाय फाइव। हूँ देखो यदि हम पुष्टि करिए, यदि पड़ताल करिए, लेट्स चेक दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थ्री एम, सो थ्री इंटू फोर बाय फाइव, सो है कि चार थी बारह, बारह बटा पाँच। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फाइव एम माइनस एट बाय फाइव, सो पाँच गुणा चार बटा पाँच माइनस आठ बटा पाँच, पाँच ना पाँच कट गया, ना इधर ले लो वाले पाँच पंचों को वी, सो थले पाँच पाँच आ गया, सो थले पाँच
because LCM same rahega because denominators are same. So we write 5 V minus 8. So V chho 8 kya kina? 12. 12 bata 5. So ithe 12 bata 5, ithe 12 bata 5. That is left hand side is equal to right hand side. So with this we come to the conclusion of exercise 2.3 of chapter 2, linear equations in one variable. एक एक्सरसाइज 2.4 असी पहले कर चुके हैं, कुछ हफ्ते पहले की थी सी, वो अपलोड हो चुकी है। तो हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 बची है, वो अगले वीडियो में करांगे। तब तक ले रब रखा, गुड बाय, थैंक यू।